नमस्कार बच्चों, टुडे टॉपिक है अपने पास प्रॉब्लम ऑन कूलम्स लॉ। यू नो दैट अबाउट द फॉर्मूला एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स मैग्नीट्यूड वैल्यू, एंड वेक्टर फॉर्मूला एफ वेक्टर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। बट ये डिपेंड करेगा अट्रैक्शन है रिपल्सन, अगर यहाँ माइनस आ जाता है दैट्स अट्रैक्शन फोर्स, और यहाँ प्लस आ रहा है तो ये रिपल्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम अपने पास आपके सामने क्वेश्चन है, टू चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड, टू चार्जेस है इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस आर है, सेपरेटेड है और फोर्स उन पे क्रिएट हो रहा है एफ ऑन ईच अदर। ठीक है, कहने का मतलब सॉल्यूशन में ये हो गया, हमारे पास दो चार्ज है, ये चार्ज हो गया क्यू और क्यू, और सेपरेटेड है आर डिस्टेंस से, इनमें फोर्स लग रहा है एफ। तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है ना, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाओ के फर्स्ट चार्ज क्यू सेकंड चार्ज क्यू, तो क्या हो गया क्यू का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस है आर का स्क्वायर। ये एक तरह से इक्वेशन वन हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे करा है कि इफ़ द चार्ज आर हाफ कर दिया, चार्ज की वैल्यू हाफ कर दी, ये भी हाफ कर दिया, ये भी हाफ कर दिया। ठीक है, एंड डिस्टेंस देम इज डबल, और डिस्टेंस डबल कर दी, डिस्टेंस क्या कर दी, डबल कर दी, डिस्टेंस डबल कर दी। देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज, अब नया फोर्स क्या होगा ईच चार्ज के ऊपर। तो अपने पास सेकंड जो स्टेप है उसने क्या किया, चार्ज को हाफ कर दिया, ये चार्ज और ये चार्ज हाफ कर दिया, लेकिन डिस्टेंस क्या कर दी, डबल कर दी। अब न्यू फोर्स क्या होगा, एफ डैश, के तो कांस्टेंट है, फर्स्ट चार्ज क्या हो गया क्यू बाई टू, सेकेंड चार्ज क्या हो गया क्यू बाई टू, और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या कर दी मल्टीप्लाई में, डिस्टेंस क्या कर दी टू आर का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, के ऊपर क्यू क्यू, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई टू फोर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा अपोन में, और ये सोल्व कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा फोर आर का स्क्वायर। तो सोल्व करने के बाद f डैश की वैल्यू कितनी आई, के क्यू का स्क्वायर अपोन 16 आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। अब आपके पास इक्वेशन नंबर जो टू आ गई, ठीक है, अब आपको f डैश निकालना है, फाइनल फोर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे इक्वेशन नंबर टू में इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर दो, तो कंपेरिजन में फॉर्मूला आ जाएगा, तो f डैश अपोन f, तो एफ डैश क्या है, के क्यू का स्क्वायर अपोन में है 16 आर का स्क्वायर, और ये है के क्यू का स्क्वायर अपोन आर स्क्वायर, काट पीट दिया अपन ने, तो एफ डैश अपोन एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपोन 16। सोल्व करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा एफ अपोन 16। तो जो न्यू फोर्स होगा जिसकी डिस्टेंस हाफ कर दी, सॉरी डिस्टेंस डबल कर दी, चार्ज हाफ कर दिया, न्यू फोर्स हो जाएगा एफ बाई 16, यानी ये आंसर आएगा इसका, समझ गए, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। ये पहला क्वेश्चन सोल्व किया अपन ने, ऐसे ही अपने को सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी कूलम्स लॉ के ऊपर है, ये कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, हमारे पास इसमें दो स्पीयर दे दिए ए और बी, और आइडेंटिकली सेम है, बिल्कुल सेम, आइडेंटिकली दिख रहा है आपको, आइडेंटिकली सेम है, स्पेरिकल चार्ज बॉडी, और रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सेम चार्ज है, यानी दोनों पे या तो प्लस प्लस हो गया, दोनों पे माइनस माइनस हो गया, और कितने फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स, यानी कहने का मतलब अपने पास सॉल्यूशन में ये हो गया कि हमारे पास दो चार्ज हैं क्यू और क्यू, ये डिस्टेंस आर पर हैं, ठीक है, इन पे फोर्स लग रहा है ये के क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है। अब क्या किया, ये ए स्फीयर है और ये बी स्फीयर है, ये स्फीयर मान लो, अब अपन ने क्या कर दिया, फाइनाइट डिस्टेंस, ये फाइनाइट डिस्टेंस पर, यानी आर डिस्टेंस पर है, एक थर्ड अनचार्ज स्फीयर ले लिया कंडक्टर वाला, ये सारे कंडक्टर हैं, और द सेम साइज का हो, यानी सेम साइज का हो, सेम साइज लिखा हुआ है, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर बी, ये बी स्फीयर से कॉन्टैक्ट में रखा, ठीक है, एंड रिमूव्ड, यानी बी स्फीयर चार्ज कितना है, मान लो ये बी स्फीयर है, इस पर चार्ज है क्यू, ये आपके पास है सी स्फीयर, इसके कॉन्टैक्ट में रख दो, लेकिन सी स्फीयर से चार्ज नहीं था, कांटेक्ट में रखते हो, टोटल चार्ज इन दोनों पे क्या हो गया, बी, ये बी और सी पर टोटल चार्ज क्यू है, अब सेपरेट कर दो इनको, सेपरेट कर देंगे, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा क्यू बाई टू, इस पर चार्ज कितना होगा क्यू बाई टू हो जाएगा। अब आपके पास जो सी स्फीयर है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज इट इज देन कैप्ड एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी के मिड पॉइंट पर रख दो सी को, ठीक है, अब फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन सी, सी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड वैल्यू पूछ रहा है, यानी आपको क्या किया, अगले क्वेश्चन में क्या किया, ये ए स्फीयर है, ए पे चार्ज क्यू है, ये बी स्फीयर है, इसके कॉन्टैक्ट में चार्ज को रखा, सेपरेट कर लिया, आधा रह गया, ये बी स्फीयर है, और जो सी चार्ज को बीच में रख दिया यहाँ पर,
जिस पे चार्ज कितना आ गया था क्यू बाई टू इसके कॉन्टैक्ट में अपने कल, ये सी स्पेयर। अब बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक मिड में रखा तो आर बाई टू, इसकी डिस्टेंस कितनी है बताओ आर बाई टू, है ना। अब सारे नेचर में सेम चार्ज है, सेम मतलब मान लो प्लस 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 प्लस, तो इस पर नेट फोर्स निकालना है। तो इसने इसके ऊपर रिपेल किया इस तरफ, रिपेल करेगा इस तरफ तो ये फोर्स हो जाएगा एफ ए, और ये इस तरफ रिपेल करेगा ये फोर्स हो जाएगा एफ बी। तो इनमें से जो बड़ा फोर्स होगा उसमें छोटे फोर्स को लेस कर लेंगे, नेट फोर्स आ जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास है एफ ए फोर्स, एफ ए फोर्स इस तरफ आ रहा है यानी इन दोनों में ए और सी के बीच में आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला बोला गया कि इसका चार्ज क्यू है, सेकंड का चार्ज क्यू बाई टू है अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर बाई टू है। इसको सोल्व कर लो तो के क्यू का स्क्वायर टू नीचे चला गया, इस टू को सोल्व करेंगे तो फोर हो जाएगा, फोर ऊपर चला जाएगा आर का स्क्वायर, सोल्व कर दो कितना आ गया इसको, इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा टू क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ गया, इक्वेशन नंबर वन ये थी, ये सेकंड हो गई, एक तो ये आ गया एफ ए, एफ बी निकाल लो ऐसे, एफ बी, एफ बी में क्या होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में तो के फर्स्ट चार्ज, इसका चार्ज है क्यू बाई टू, इसका चार्ज भी क्यू बाई टू है, दोनों के चार्ज क्यू बाई टू अपॉन डिस्टेंस कितनी है आर बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो के क्यू का स्क्वायर ये टू टू मल्टीप्लाई नीचे गया फोर, इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर और फोर ऊपर चला जाएगा, फोर से फोर कैंसिल आउट, तो एफ बी कितना आया, ये आ गया के क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, आ गया नहीं। अब बेटा ये देखो इक्वेशन नंबर थर्ड, हमें नेट फोर्स निकालना है इन दोनों में अपोजिट है, यूँ अपोजिट है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स जो आएगा एफ डैश वो बड़े में से हाई में से लो को लेस कर लेंगे, नेट फोर्स आएगा अपोजिट है। अब इन दोनों की वैल्यू रखते हैं तो ये तो आ रहा था टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, यह आंसर आ रहा था अपने पास, यह आंसर आ रहा था के क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, सोल्व कर दिया तो क्या हो गया एफ डैश इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। और ये इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल आ रहा जो पहले था जब कॉन्टैक्ट में नहीं रखा था उसके इक्वल, ये देखो दोनों को, दोनों को देखो इक्वल है, यानी ये फोर्स किसके इक्वल हो गया इनिशियल फोर्स के इक्वल है, इनिशियल फोर्स के, यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो एफ ही आएगा, ठीक है एफ आंसर आएगा आपके पास, दिख रहा है सब सारा का सारा एफ आंसर आएगा, क्लियर हो गया। अगला थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो समझना क्वेश्चन समझा करो यार, क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुलाम्स लो के आपको फॉर्मूला आना चाहिए, एक ही तो फॉर्मूला करवाया मैंने, ठीक है उसको अगर वो आपके दिमाग में फॉर्मूला है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मीडियम पे लग बात है, मीडियम आ जाता हूँ, मैंने करवा दिया वो क्वेश्चन पहले, ठीक है। आप देखो इस क्वेश्चन को समझो, आप सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना, आगे पास है एक बॉल है, पिट बॉल है, ठीक है ए, वो 10 ग्राम की, कितने ग्राम की है 10, यानी ग्राम कितना दे दिया 10 ग्राम, केजी में चेंज कर लो इसको, केजी में चेंज कर लिया तो 10 की पावर माइनस 3 केजी कर लिया, ये आगे पास हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है पॉजिटिव चार्ज, अरे पॉजिटिव ले रखा है ये पॉजिटिव में, ठीक है कितना चार्ज दे रखा है, चार्ज की वैल्यू क्यू वन वो है पॉजिटिव में है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, ये चार्ज दे दिया अपने। अब वो कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी नेचर, नेचर कैसा होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए चार्ज का, दैट शुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिट बॉल बी फिक्स्ड 10 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल, यानी ये बॉल ए थी, ए चार्ज था, इसके नीचे अपन ने बी चार्ज रख दिया, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी होती है चार्ज की, सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, कहने का मतलब क्या है, जैसे समझो यहाँ पर ये आपके पास एक बॉल है वो ए वाली, ठीक है ये ए वाली बॉल ऊपर हवा में यहाँ पर, ठीक है इसी के नीचे एक बी चार्ज है, बी वाली बॉल, ये Q2 चार्ज की है, ये Q1 चार्ज की है, मान लो ये आपके पास है नीचे यहाँ B बॉल रखी हुई है, A बॉल ऊपर है, ऊपर A बॉल, अब देखो सुनो ध्यान से, ठीक है ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, अब ये नेचर में सेम होगी तभी तो इसको रिपेल करेगी ऊपर हवा में, नीचे वाली बॉल का पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाली बॉल का पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो रिपेल करेगी, क्यों रिपेल करेगी, क्योंकि ऊपर वाली बॉल पर आपके पास वेट लगता है नीचे mg, और ये है सेम चार्ज की रहेगी तो ये लगाएगा ऊपर फोर्स, इसलिए हवा में क्या हो जाएगा स्टेशनरी फॉर्म में रहेगी। मान लें इसकी डिस्टेंस दे रखी है, इसकी डिस्टेंस दे रखी है आर, हमें इसकी चार्ज की वैल्यू निकालनी क्या होगी, तो इन दोनों का फोर्स जो है जो एफ आ रहा है वो एम जी के इक्वल हो जाएगा,
एफ जो आ रहा है एम जी के इक्वल हो जाएगा तो क्यू निकल जाएगा। सीधी सी बात है, देखो सीधी सी गणित अपने पास, हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.1 मीटर आ गया। अब अपन फॉर्मूला लगा दें एज ए स्टेशनरी फॉर्म, ठीक है, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन पे फोर्स क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ इक्वल टू एम जी हो जाएगा इस पर, ठीक है, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आ रहा है, वो आ रहा है के क्यू वन चार्ज क्यू टू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू एम जी, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। अब k की वैल्यू पता अपने को 9 × 10⁻¹, ये अपने को SI नोट में लेने सारे के सारे। फर्स्ट चार्ज की वैल्यू पता है, फर्स्ट चार्ज की वैल्यू है 5 × 10⁻¹, और नीचे है 0.1 का स्क्वायर, यानी 0.1 × 0.1 इक्वल टू ग्राम में दे रखा है अपने को 10 × 10⁻¹, और g राउंड ऑफ वन 10 ले लेते हैं, राउंड ऑफ कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। अब आपको क्या करें, Q2 चार्ज रहे क्या, Q2 चार्ज यहाँ पर ही रहा, ये Q2 चार्ज, इस Q2 चार्ज को निकालना है, तो Q2 चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डाटा इधर चला जाएगा 10 × 10⁻², 10³, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻², ठीक है, ये डाटा नीचे चला जाएगा 9 × 10⁹9 और 5 × 10⁻¹। तो इससे Q2 चार्ज की वैल्यू हो जाएगी इजी वे में, जो है ऊपर जाएंगे डाटा माइनस होते जाएंगे, सोल्व कर लेंगे, सोल्व आउट करने पर जो चार्ज आएगा वो Q2 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने तीन मेथड के क्वेश्चन बता दिए, अगर आपके पास है सिंपल से मेथड के था, अगर डिस्टेंस चेंज कर दें, चार्ज हाफ कर दें, तब फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, ये अपने पास था। सेकेंड जो टाइप का क्वेश्चन था वो आपके पास है कि तीन बोल है, एक बोल को उसके पास रखा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर दूसरी बोल के पास चला गया, फिर वो कहीं उसको मिड में पॉइंट पर पुट कर देते हैं तो चार्ज यानी फोर्स चेंज हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया कि किसी चार्ज को स्टेशनरी फॉर्म में रख सकते हैं, अगर मान लो ये प्लस होता या माइनस होता था ट्रैक कर लेता, फिर स्टेशनरी फॉर्म में हवा में नहीं रहता ये, ठीक है। तो मेन बेसिक क्या है कि आपको कूलम्स लॉ आना चाहिए, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आना चाहिए, अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कूलम्स लॉ ही लगाया था अपन ने, ये स्टेशनरी फॉर्म के लिए यहाँ पर ये फोर्स बैलेंस हो गया इसलिए सोल्व हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन लेंगे क्वेश्चंस या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।